अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गुलफाम अली और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे लोगों को मिसगाइड भी किया होगा लोगों ने। तो गूगल एडसेंस मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे बेस्ट जो अर्निंग का जरिया है इंटरनेट पे वो गूगल एडसेंस है। आप अपनी वेबसाइट बना के उस पर अच्छे कंटेंट पोस्ट करो और आपका जो है गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो में बताऊंगा गूगल एडसेंस की एप्लीकेशन कैसे सेंड करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक हो गया। तो अगर आपकी वेबसाइट जो है अच्छी है और आप अपनी वेबसाइट पे अच्छे डेली कंटेंट डाल रहे हो और गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है तो आपका जो है एडसेंस अप्रूव्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो है आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि आपको जो है एडसेंस की एप्लीकेशन कैसे सेंड करते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है, ठीक होगा। यहाँ पे आपने लिखना है गूगल दोस्तों। मैं गूगल एडसेंस जो है ओपन करने लगा हूँ। तो ये देखें जी, गूगल एडसेंस की जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है। बहुत सारे लोग यहाँ से अर्निंग कर भी रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है डिसअपॉइंटेड भी हुए हैं क्योंकि वो फेक जो है काम करते हैं गूगल पे और गूगल एडसेंस जो है उनका अकाउंट बंद कर देता है। तो फेक काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, थोड़ा सब्र के साथ आप काम करते रहें तो यकीन करें कि गूगल एडसेंस से ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है ही कोई नहीं। ये कह रहा है यूआरएल ऑफ योर साइट, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो है यूआरएल दूंगा https://www. ये मेरी साइट है, आप अपनी साइट यहाँ पे दे सकते हैं। योर ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस, ये मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया तो ये मैं कर देता हूँ यस, ठीक हो गया। तो ये देखें जी, यहाँ पे अपनी अपनी वेबसाइट देनी है और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक हो गया। सेव एंड कंटिन्यू। आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी वेबसाइट कम अच्छे कंटेंट वाली हो, उस पर और गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती हो और जो है तो ये मैंने अपना ईमेल आईडी लगाया और ये लॉगिन करने लगा हूँ मैं ताकि साइन अप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा सके। तो ये देखें जी, अब ये क्या सिलेक्ट योर कंट्री इंटरटी है, तो यहाँ आप अपनी कंट्री देंगे, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, अगर कोई भी आप जहाँ पे जो है रहते हैं तो आप कंट्री दे देंगे। तो ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कंट्री वही देनी है जिससे आप गूगल एक पिन भेजेगा आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, तो वही कंट्री दीजिएगा जहाँ से वो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। फेक कंट्री दे दी तो बाद में आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा। तो ये देखें जी, मैंने नेक्स्ट कर दिया। अकाउंट टाइप बिजनेस, ये कह रहा है कि आपका अकाउंट टाइप कौन सा है,
ये मेरा उसने एड्रेस जो है ऑटो ही पिक कर लिया है मेरी ईमेल आईडी से, उसके बाद अकाउंट टाइप भी और प्राइमरी कॉन्टैक्ट। तो ये देखें जी, उसने डिटेल उठा लिया। वैसे यहाँ पे आप अपनी डिटेल दीजिएगा तो वो खुद ही ये वो कह रहा है कि कनेक्ट योर साइट टू गूगल एडसेंस। तो ये कोड जो है मैंने पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट के हेडर टैग्स में। तो ये देखें, ये मैं कॉपी करता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट के हेड टैग में जाके इसको पेस्ट करता हूँ आपके सामने। तो मैं अपनी वेबसाइट का cPanel ओपन कर लेता हूँ जो मेरी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी ने दिया हुआ है, मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड। वैसे तो ये वर्डप्रेस के अंदर से भी हो जाता है, आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सिक्योरिटी लगाई हुई है अपने सी पैनल पे, तो ये सिक्योरिटी जो है कोड अभी मैंने दे दिया, ये ओपन हो गया। तो आपके सी पैनल में जो है फाइल मैनेजर में जाके जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ होता है, तो आप फाइल मैनेजर में जाएंगे, ये आप FTP के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो है वो इजी लगता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये देखें, WP कंटेंट, ये थीम है, थीम में जाके यहाँ पे थीम आ जाएगा, जो भी है वॉइस थीम है। और ये देखें जी, हेडर, हेडर डॉट PHP, तो इसको मैं एडिट कर लूँगा। तो ये देखें, ये हेड टैग है, ये यहाँ तक ये हेड टैग है। तो ये हेड टैग के अंदर मैं दूंगा ये, तो ये देखें मैं हेड टैग में मैंने पेस्ट कर दिया है और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये देखें जी, ये सक्सेसफुल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी मैं गूगल को कहूँगा कि जी मैंने पेस्ट कर दिया और डन। गूगल में कोड जो है चेक करेगा मेरी साइट पे, द कोड वाज फाउंड, वो कह रहा है कि जी कौन फाउंड, जो कोड है वो आपकी वेबसाइट पे फाउंड कर लिया मैंने। तो गट इट पे क्लिक करूँगा और गूगल जो है ये देखें, वी आर व्यूइंग योर साइट। तो गूगल अभी जो है मेरी वेबसाइट को रिव्यू करेगा। तो ये रिव्यू जो है उनका मैनुअल होता है, तो ये कम से कम जो है ये यहाँ पे उसने दिया हुआ है, बट दिस यूज़र टेक अ फ्यू डेज, बट इन सम केसेस इट कैन टेक अप टू 2 वीक्स। अभी क्योंकि कोरोना चल रहा है तो इस वजह से गूगल की एप्लीकेशन वगैरह जो है वो लेट भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है 3-4 वर्किंग डेज में जो है रिप्लाई आ जाता है गूगल का। तो ये देखें जी, गूगल एडसेंस अप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक हो गया। तो जब अगर ये अप्रूव हो गया ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसी ईमेल आएगी। ये देखें, तो ये ऐसी ईमेल आती है गूगल की तरफ से, अगर आपका एडसेंस जो है अप्रूव्ड हो जाए तो कंग्रेचुलेशन, योर साइट इज नाउ रेडी टू शो गूगल एड्स, गूगल एडसेंस एड्स एंड स्टार्ट अर्निंग। सो आप भी जो है गूगल एडसेंस के प्लेटफॉर्म में आए और घर बैठ के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप, जो है अपने दोस्तों को भी बताएं, ये कोई फेक नहीं है। अगर आप गलत काम करोगे तो आपको ये बैन करेगा, अदरवाइज गूगल एडसेंस बहुत अच्छे आपको जो है पैसे देता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।